नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ट्रेड बुल ऑफिशियल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी कल 20 जून के दिन कहां पे कामकाज कर सकता है, आपके कॉल पुट के क्या टारगेट रहेंगे। बट उससे पहले चलिए देखते हैं मार्केट ने आज कहां पे कामकाज किया, मार्केट में कैसा दिन रहा। दोस्तों, आज मार्केट ने पहले तो हमें एक फ्लैट ओपनिंग दी। ओपन होते ही फ्यूचर्स चार्ट पर मार्केट ने 44,120 का एक हाई लगाया और दोस्तों इसी लेवल से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मार्केट में मिला और कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ, यहां पर तकरीबन 11 बजे तक नीचे की तरफ मार्केट जाती रही। फिर दोस्तों इसके बाद मार्केट ने काफ़ी देर पोजिशन यहां पर कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद तकरीबन 12 बजे मार्केट में एक बड़ी कैंडल आती है जो हमें ऊपर की तरफ इस एरिया तक ले जाती है। दोस्तों इमीडिएटली इस वीवैप लेवल से मार्केट रिजेक्शन करती है, बेरिश इनगल्फिंग होती है मार्केट के अंदर और फिर एक लेवल यहां पर देखने को मार्केट में मिलता है। अगला 1-1.5 घंटा मार्केट एक ही जोन में टाइम स्पेंड करती है और स्पेंड करने के बाद यहां कंसोलिडेशन करती है और इसके बाद फिर तकरीबन 2:30 बजे एक इसका ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देती है। फिर दोस्तों तकरीबन लास्ट के आधे पौने घंटे में मार्केट के अंदर फिर एक साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिलती है। तो मार्केट में जो आज अच्छा मूव देखने को मिला वो तकरीबन 1 बजे तक था जब मार्केट नीचे की तरफ आई और उसके बाद उसने जब रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश की। अब चलिए बात करते हैं कल मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। अब इसके लिए मैं दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की तरफ रुख करना पड़ेगा और आपको ये मैं बता दूँ क्योंकि आज US मार्केट्स जो हैं दे आर ऑफ टुडे, तो हमें ग्लोबल सेंटिमेंट्स मार्केट में कुछ इतना खास मिल नहीं रहे। सिर्फ SGX 50 इस टाइम पर जो है वो तकरीबन -42 पॉइंट्स के साथ यहाँ पर चल रहा है, तो जो एक सजेस्ट करता है कि मार्केट के अंदर एक नेगेटिव ओपनिंग कल आपको देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। तो और ये लेवल दोस्तों आप तकरीबन मार्केट के अंदर 100 से 150 पॉइंट के बीच में हो सकता है, मतलब बैंक निफ्टी कल ओपनिंग फ्यूचर्स के चार्ट पर क्लोजिंग हमें देखा गया है 43,788 पर, तो यहाँ से 100-150 पॉइंट मतलब मार्केट 43,650 की एरिया के आसपास आपको कहीं पे, मतलब इस जोन में कहीं पे ओपनिंग दे सकती है फॉर ओपनिंग। अब आपने ये देखा होगा मैंने एक यहाँ पर चैनल ड्रॉ करके रखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लियर कट नज़र आएगा कि मार्केट अगर बाई चांस यहाँ से नीचे की तरफ नेगेटिव ओपनिंग देती है तो मार्केट इस चैनल का ब्रेकडाउन करेगी और डेफिनेटली इस एरिया तक यहाँ पर पहुँचेगी। अब दोस्तों क्योंकि हम यहाँ पर प्रीवियस डे लो लेवल पर हैं तो 43,640 ये बहुत ही क्रूशियल लेवल मार्केट के लिए होगा, ये आज के दिन का लो भी है। अगर मार्केट इसको सस्टेन करने में कामयाब रहती है तो डेफिनेटली यहाँ से पुल बैक आ सकता है और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर यहाँ पर एक अच्छी फॉल देखने को मिल सकती है। तो याद रखिएगा आपको अगर मार्केट 43,629 इस एरिया पे सपोर्ट लेती हुई मार्केट नज़र आए तो आपको यहाँ पर वेट करना है कॉल साइड में। कॉल की कोई भी पोजीशन जो मार्केट में बनेगी वो डेफिनेटली तभी बनेगी जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर 43,745 की एरिया को ब्रेच करके ऊपर की तरफ निकलती है। तो दोस्तों यहाँ से मतलब इस एरिया के ऊपर कॉल की पोजीशन हम यहाँ पर मार्केट में बनाएंगे और जो टारगेट आपके ऊपर की तरफ हो सकते हैं बैंक निफ्टी में वो 43,818 और दूसरा टारगेट 43,876 का इंट्राडे में पॉसिबिलिटी होगा। पुट की पोजीशन दोस्तों एक ही केस में, अगर मान लीजिए मार्केट इसी जोन में आपको कहीं पे रिजेक्शन दे, ये कल के 50 और 61.8%, मतलब आज के 50 और 61.8% लेवल है, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो ही हम पुट की पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे छोटा सा एक स्टॉप लॉस लेकर। तो पुट की पोजीशन मार्केट में अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो नीचे की तरफ और फिर जो आपके जो टारगेट्स होंगे नीचे की तरफ वो हो सकते हैं 43,745 एंड 43,629। ये इस केस में अगर मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन आपको लेती हुई नज़र आए तो। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लाइव स्ट्रीम को देखते रहें बिकॉज उसके अंदर जो मैं लेवल मार्क करता हूँ आप उसका भरपूर फ़ायदा
खा सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड बाय।